दोस्तों, आपने इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पास कर लिया है, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया है और अभी टाइम आ गया है कि आपको जाना है ट्रेनिंग सेंटर। तो आपके माइंड में ज़रूर सवाल आया होगा कि यार, ट्रेनिंग सेंटर में तो जा रहा हूँ पर ट्रेनिंग सेंटर में होगा क्या, मेरा फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, मेरे को स्विमिंग आती है कि नहीं, या मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ट्रैवल कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी है। ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने आज ये वीडियो देखा है। आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बनाया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी को या नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट नहीं करती है। वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना ही है कि जो कैडेट्स ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। देखो, इस डिस्कशन में हमने मैंने तीन टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि आप ट्रेनिंग जाने से पहले आपको किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए आपको, या मैं ट्रेनिंग तो 3-4 महीने दूर है, उसके पहले मैं क्या क्या तैयारी करूँ, राइट। और आपको पता ही होगा कि आप इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं तो स्विमिंग इज़ मस्ट, यू आर गोइंग टू बिकम ए सेलर, तो आपको सी में रहना है तो उसके लिए आपको स्विमिंग आना चाहिए, राइट। तो स्विमिंग की कैसे प्रैक्टिस करूँ मैं, इसका भी मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, राइट। तो मेरे को देखिए, आपको ट्रेनिंग में जाना है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछे गएंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंट मेरे को क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना है, अगर नहीं पुलिस वेरिफिकेशन हो सका तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट यार, ट्रेनिंग को जाना है, 5-6 महीना उधर रहना है, कपड़े क्या लेके जाने हैं, शूज़ कौन से लेके जाने हैं, ऑल दैट, क्या क्या पैकिंग करनी है मेरे को, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखिए, ट्रैवलिंग्स की बात आती है तो आपको ट्रेन से जाना है तो टिकट कौन सा है, कौन सा रेलवे स्टेशन नज़दीक है उधर उतरना है, वहाँ पे होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको बताया गया होगा कि ट्रेनिंग सेंटर पहुँचते ही आपका उधर एक मेडिकल होगा छोटा सा, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, राइट। ट्रेनिंग सेंटर में सिलेक्शन होगा, मतलब आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल यू विल फाइनली गेट एंटर इन टू द ट्रेनिंग सेंटर, मतलब आपका पक्का होगा है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, मतलब मेडिकल इज़ द लास्ट स्टेप, उसके बाद ही आप फाइनल, आपको पता चलेगा कि आप पास हो गए, मतलब नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती हो गए, राइट। तो उस मेडिकल के बाद क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखिए, उसके बाद ट्रेनिंग्स, आप तो भर्ती हो गए, राइट, आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो आपको कैसे एलोकेट किया जाएगा डिफरेंट डिवीजन में, उसके बारे में थोड़ा लिटिल बिट बात करेंगे। एंड एट द एंड मैं डिस्कस करूँगा कि ट्रेनिंग में होता क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा जनरल में बात करूँगा, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग के बारे में डीप में डिस्कस करने की अनुमति नहीं है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। दोस्तों, यह है बेसिक ट्रेनिंग, डिपेंडिंग अपॉन विच कोर्स यू आर गोइंग टू, अगर आप SSR के लिए जा रहे हैं या नाविक GD के लिए जा रहे हैं तो कोर्स का ड्यूरेशन 5 से लेकर 6 मंथ का हो सकता है, तो आपको उतने दिन के लिए फिजिकली फिट रहना है, राइट। और अगर आप दूसरे कोर्स के लिए जा रहे, राइट, MR के लिए जा रहे या NMR के लिए जा रहे, या आप कोस्ट गार्ड के यांत्रिक के लिए जा रहे या नेवी का जो डबल ए है उसके लिए जा रहे हैं, तो ड्यूरेशन कम ज़्यादा होगा पर आपको फिजिकल फिटनेस रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको ट्रेनिंग में जाने के लिए अभी तो टाइम है, फिलहाल 2 महीना है, 1 महीना है, जितना भी हो, तो आपको क्या तैयारी करनी है, राइट। देखिए, ट्रेनिंग में एंटायर ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत ही बिजी होगा, उस मॉर्निंग में 5 बजे या 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, राइट। इट्स अ फिजिकल ट्रेनिंग, सो दैट आपको रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी है। दोस्तों दोस्तों आप अगर घर पे हो, अगर आप गांव में रहते हो, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठ के या शाम को ज़रूर रनिंग की प्रैक्टिस करें, मैं बता दूँ आपको, तो क्योंकि रनिंग ही उधर ही काम आएगी। तो इसके बारे में मैं और बता दूँ कि आप इतना भी मत रनिंग कीजिए कि आप रनिंग कर करके वीक हो जाओगे और ट्रेनिंग में जाओगे तो आप मतलब बीमार पड़ जाओगे, ऐसा भी मत करना दोस्तों।
दूसरी बात करता हूँ मैं कि एक्सरसाइज कौन से करने हैं। देखिए पुशअप्स एंड सिटअप ये एक कॉमन बोल सकते हैं एक्सरसाइज है, कोई भी फोर्स में जाओ, आर्मी नेवी एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में जाओ, तो आपको ये पुशअप्स एंड सिटअप्स की तो हर जगह पे होते हैं। और उसके साथ साथ रोप क्लाइंबिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप घर पे गांव में रहते हो तो किसी पेड़ को एक बड़ा सा रोप बांधिए, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। या आप पुशअप की प्रैक्टिस कम से कम रोज 20-20 पुशअप लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। रनिंग की मैं बात करूँगा डिटेल्स में, तो रनिंग आपको मिनिमम रनिंग कम से कम 2 किलोमीटर तो हर रोज करनी चाहिए यार, मॉर्निंग में, और अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम को भी करनी चाहिए, दोनों टाइम। और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज आपको जो प्राणायाम कर सके तो वो भी कर लेना, मतलब आपको फिजिकली फिट रहना है, कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों। देखिए उसके बाद मैं बात करूँगा स्विमिंग की। दोस्तों आप सेलर बनने जा रहा है तो आपकी ड्यूटी ऑन बोर्ड शिप होगी या ऑन शॉर्ट एयरक्राफ्ट में भी हो सकती है, तो आपका मतलब पानी से संबंध है, तो पानी में रहना है तो आपको स्विमिंग इज मस्ट। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो दोस्तों डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको उधर स्विमिंग सिखाया जाता है। पर मैं अभी आपको बता दूं कि आपके पास अगर टाइम है तो आप स्विमिंग क्लास लगाइए, ज़रूर स्विमिंग क्लास लगाइए। अगर आप सिटी में रहते हो तो स्विमिंग की क्लास लगा सकते हो, अगर गांव में रहते हो तो देखिए स्विमिंग टैंक तो गांव में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप जैसे ही पानी जहाँ पे भी मिलता है, नदी ना कुआं जहाँ पे भी पानी मिलता है वहाँ पे प्रैक्टिस करो। पर देखो इसमें स्विमिंग करते वक्त सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, गांव में जब स्विमिंग करते हैं तो उस टाइम पे कोई साथी अपने साथ होना चाहिए, या सेफ्टी मेजर से उनको माइंड में रखना है, या आप कोई जिसको स्विमिंग आती है उसके उसके साथ ही स्विमिंग करो, ये मैं बता दूँ आपको। देखो स्विमिंग कितनी आनी चाहिए ऐसे आप पूछोगे ज़रूर, तो मैं बता दूँ कि स्विमिंग का स्टाइल कौन सा भी हो, तो चलो इस स्विमिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि स्विमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का। तो स्विमिंग में दो पार्ट मैंने रखे दोस्तों यहाँ पे, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा, राइट। स्विमिंग इज डिफरेंट एंड फ्लोटिंग इज डिफरेंट। दोस्तों देखिए फ्लोटिंग मतलब एक ही जगह पे आपको स्विमिंग करते रहना है, मतलब हाथ भी हिलाना है और पैर भी हिलाना है, पर एक जगह पे ही स्टेबल रहना है दोस्तों। इसका मोटिव यह है कि आप अगर सी में किसी की जान बचाना चाहते हैं, या आपको काम दिया गया है कि आपको किसी की जान बचाना है, तो उस पर्सन को आपको एक ही जगह पे उसको मतलब वेट के साथ उसको एक ही जगह पे आपको फ्लोटिंग करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को लेके, या आपकी मानो आप सी में फंस गए या आपकी बोट डूब गई, तो आप कम से कम एक ही जगह पे फ्लोट करके जब तक आपको हेल्प नहीं आती है तब तक आपकी जान बचा सकते हैं, ये मोटिव रहता है। तो फ्लोटिंग इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दोस्तों, फ्लोटिंग करनी है आपको कम से कम 3 मिनट एक ही जगह पे फ्लोट करना, ये आपको आना ही होगा। स्विमिंग की बात करें तो आपको कितना किलोमीटर स्विमिंग करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, टेस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब आप एक 50 मीटर या 100 मीटर स्विमिंग कर सकते हो कंटिन्यूअस, तो आप स्विमिंग टेस्ट वहाँ की पार कर सकते हो, राइट। तो स्विमिंग के बाद मैं बात करूंगा दोस्तों स्विमिंग के स्टाइल की, राइट। तो स्विमिंग में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, पर गांव में जो स्टाइल चलता है होता है फ्री स्टाइल, मतलब दोस्तों उसके स्टाइल में मत जाओ, आपको अगर स्विमिंग आता है तो डोंट वरी आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़ा उसके डीप में जानोगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टाइल सिखाए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं करता हूँ, राइट। तो चलो स्विमिंग के टाइप्स, हाँ स्विमिंग आ गई। तो देखिए यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि 4 टाइप्स के स्टाइल दिखा है, ये क्रॉल है, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई और चौथा है बैक रोल। देखिए चौथा डिस्कस करता हूँ कि ये उल्टा स्विमिंग करना है, मतलब आपको आकाश की तरफ देखना है और हाथ उल्टे चलाने हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये भी सीख लेना, वैसे कंपलसरी नहीं आपको आना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये फ्री स्टाइल, आई डोंट नो अबाउट क्रोल और फ्री स्टाइल इज़ डिफरेंट और नॉट, बट क्रोल आपको फ्री स्टाइल में आना चाहिए, मतलब जैसे ही गांव में स्विमिंग करते हैं वो चल जाएगा स्विमिंग। ये है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है,
अगर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो तो उनको पूछ लेना कि बैक स्ट्रोक सिखा सकते हो क्या, तो ब्रेक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करना दोस्तों। चिल्का में वही सिखाया जाता है ये वाला। नेक्स्ट बटरफ्लाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको हो सकता है अगर आप अच्छे स्विमर हो तो आप ज़रूर ये सीख लेना। देखो नेवी में जाके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट स्टाइल से स्विमिंग करना पड़ता है, तो आपको हर एक स्टाइल ज़रूरी है आनी है, पर अगर आपको कोई भी एक स्टाइल आती है तो काम चल जाएगा, आप टेस्ट पार करोगे। राइट दोस्तों, और हम भी बात करेंगे डिटेल्स में बाकी सारे टॉपिक्स की। तो हम कहाँ पे थे, स्विमिंग। राइट स्विमिंग के बाद देखते हैं दोस्तों आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। राइट देखो, आपको जब कॉल लेटर आता है तो उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन करके एक कार्ड आया होगा या एक पेपर आया होगा, उसमें उन्होंने बताया होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी आप डॉक्यूमेंट रेडी करें। आपने किसी कॉलेज में जमा किए होंगे तो प्रिंसिपल को लेटर लिख के बोले कि हमें ज्वाइनिंग के लिए जाना है, तो डॉक्यूमेंट प्लीज़ दीजिए। आप उनको अगर रिक्वेस्ट करोगे या आप कोई लेटर लिख के दे दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों जल्दी करो, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उस ज्वाइनिंग लेटर में बताए गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो प्लीज़। तो ये हो गया ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, आपको देखना है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, प्लीज़ डॉक्यूमेंट देख लेना। नेक्स्ट है पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों जब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग डरते हैं यार, ये कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन, देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको नज़दीक का जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आप डिटेल्स में पूछ लेना किसी भी पुलिस, वहाँ पे जो अफसर होगा या कांस्टेबल होगा उनसे पूछ लेना कि मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन क्या करना है, तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। राइट तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके जो जो आप जहाँ पे पढ़ते हो या जहाँ पे स्कूलिंग की है वहाँ पे जाके भी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो वो लेके आपको वहाँ का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना है। मैं बता दूँ कि आपका जो जिला है या बोल सकते जिला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसमें काफ़ी टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपन आप कौन से स्टेट में रहते हो, हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है रेगुलेशन के, उसके हिसाब से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। राइट तो ये आपको इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन आपका डिले हो रहा है आने में, या ऑनलाइन किया है और नहीं आया है, और टाइम आ गया है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है, तो दोस्तों पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन ट्रेनिंग सेंटर में जाके भी हो सकता है या बाद में भी दोबारा होता है। राइट तो ये रहा डॉक्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पैकिंग। देखो पैकिंग की बात जब आती है तो हम हैरान हो जाते हैं यार क्या क्या पैकिंग करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ ये वाला जो बैग है ये बिल्कुल लेके जाना नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे क्लोथ्स मिलेंगे, बहुत सारे ड्रेस मिलेंगे, बड़ी बड़ी सूटकेस मिलेंगी, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो आप इतने सारे बैग्स नहीं कैरी कर पाओगे, इसलिए एक छोटा सा बैग लेके जाना। दोस्तों कपड़ों की बात मैं करूँगा तो आप ओनली वन कैजुअल ड्रेस लेके जाना, क्योंकि एंटायर जो बेसिक ट्रेनिंग होगा उसमें आपको कहीं बाहर छोड़ा नहीं जाएगा, तो आपको कई ड्रेस पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन कि आपको उधर अलग अलग ड्रेस मिल जाएंगे, वही कंपलसरी यूज करने हैं। आपके जो सिविल्स में जो कपड़े हैं उसका बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। मैं बता दूं कि आप जब जाओगे ट्रेनिंग में तभी एक बार यूज होगा, और जब ट्रेनिंग से वापस आओगे मतलब दो ही बार आपको अपने जो ओन ड्रेस है उनका यूज करना है। तो ये रहा कपड़े के बारे में, बिल्कुल एक ही पैर लेके जाइए दोस्तों, एक ही पैर। बाकी ज़्यादा लेके जाओगे तो फिर आपको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। ये वाला सूटकेस बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ट्रॉली बैग नहीं लेके जाना है, वहाँ पे दो सूटकेस मिल जाएंगे आपको तो वो सफिशियंट है कैरी करने में। एक छोटा सा बैग लेके जाना दोस्तों, बहुत ही मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा सूटकेस या बड़ा मत लेके जाना, बहुत कठिनाई आती है ट्रेनिंग के बाद। राइट दोस्तों दूसरी बात करता हूँ शूज़ की। देखिए शूज़ एक एक बेस्ट क्वालिटी का आप स्पोर्ट शूज़ लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको दौड़ना तो एक एक बहुत ही एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट, तो दौड़ने के लिए अच्छे जूते होने चाहिए आपके पास,
शूज़, दूसरे कैजुअल शूज़ बिल्कुल मत लेके जाए, क्योंकि दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे इतना सामान मिलेगा कि आप दोबारा उसको वापस जब जाओगे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो एक ही पेयर लेके जाना है, ओनली वन पेयर, वो भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। और आप बोलोगे बाथरूम स्लीपर एक लेके जाना, प्लीज़ लेके जाना एक बाथरूम स्लीपर। ओके, देन वैल्यूबल आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए बेसिक ट्रेनिंग है, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब आपको उधर घड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं, या इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो गले में मेरे सोने की चैन है, या कान में कुछ सोने की रिंग है, या हाथ में अंगूठी है, ये बिल्कुल लेके नहीं जाना है दोस्तों। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से बंदे आएंगे, तो पता नहीं आपके वैल्यूबल इंफॉर्मेशन या वैल्यूबल जो आइटम्स है उसकी केयर की जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि वैल्यूबल आइटम्स बिल्कुल लेके नहीं जाने हैं। आप एक बार ट्रेनिंग कर लोगे तो उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं, राइट दोस्तों। देखोगे कि आप बिल्कुल मेडिसिन की मैं बात करने जा रहा हूँ, आप सोचोगे कि यार 5-6 महीने का ट्रेनिंग है तो उसके दौरान अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो मैं अपने टैबलेट्स हो या खांसी की दवाई हो तो मैं साथ में लेके जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों आपका ये जो निर्णय है बहुत ही अच्छा है, पर मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके खुद का हॉस्पिटल है ट्रेनिंग सेंटर के पास में, तो आपको मेडिसिन कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिना शर्त खुले चाहिए और आपको मेडिसिन की बिल्कुल मतलब ज़रूरत नहीं लगेगी, वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो मेडिसिन कैरी करने की ज़रूरत है नहीं है। बाकी जनरल पैकिंग मैं बोलूँगा तो दोस्तों बहुत ही कम सामान लेके जाना, आपका जो रूटीन आइटम है टूथब्रश है, जो छो इनर वियर से, ये बेसिक बेसिक आइटम लेके जाना है दोस्तों। और चलो दोस्तों और दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, ये हो गया पैकिंग के बारे में। ओके, ट्रैवल के बारे में दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक गांव छोड़ा नहीं होगा, या ऐसे भी बंदे होंगे कि वो दूसरे स्टेट में गए नहीं होंगे, अपने ओन स्टेट में ट्रैवल कर चुके होंगे। तो अभी तो उड़ीसा में जाना है तो थोड़ा डर भी लग रहा होगा माइंड में दोस्तों। आपका ये डर जायज़ है, पर मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रेनिंग जाना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ट्रेन तो आप पूछोगे यार ये INS चिल्का है कहाँ पे दोस्तों, तो ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये है चिल्का, राइट। ये चिल्का एक लेक है, साल्ट वाटर लेक, इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक, राइट। ये है उड़ीसा में। और आप बोलोगे कि यार मैं चिल्का जाऊँगा तो कौन से रेलवे स्टेशन नज़दीक है वहाँ पे मैं मतलब रेलवे का टिकट करूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि बालूगांव, राइट, ये रहा बालूगांव करके एक स्टेशन है, जंक्शन है इनफैक्ट, वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी ट्रेन्स रुकती है। तो आपको जब रेलवे टिकट करना है, आप कौन से भी, या दिल्ली से जा रहे हैं, बम्बई से जा रहे हैं, या अपना गांव है वो वहाँ से जा रहे हैं टिकट करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ से लेके डेस्टिनेशन आपका होगा बालूगांव, राइट। तो आप बालूगांव की टिकट कर लीजिए, ट्रेन की टिकट कर लीजिए, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं या आप एयरप्लेन से जा रहे हैं तो आप भुवनेश्वर एक नज़दीक का एयरपोर्ट है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से फिर दोबारा आपको बालूगांव जाना पड़ेगा, राइट दोस्तों। बात करता हूँ जब आप घर से निकलोगे बालूगांव पहुँच जाओगे तो आप पूछोगे यार बालूगांव तो बोल गए, फिर अभी INS चिल्का जाना है तो वो कैसे जाएंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो बालूगांव रेलवे स्टेशन को आपको रिसीव करने के लिए वहाँ पे इंडियन नेवी के लोग आते हैं अपनी बस लेके, तो आपको वहाँ से आगे कैसे जाना है उसकी टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। अगर बस नहीं होती इनफैक्ट तो मैं आपको बता दूँ, ये ग्राफ में देखिए बालोगा ये रहा, और ये जो मैंने ग्रीन कलर का सिग्नल दिया है यहाँ पे है INS चिल्का, तो ये डिस्टेंस हार्डली 10 किलोमीटर है, राइट। तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, आपको जाने के लिए रिक्शा मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जा सकते हैं दोस्तों। आप सोचोगे कि मेरा ट्रेनिंग तो शुरू हो रहा है, मानो 1 तारीख को हो रहा है शुरू, तो मैं उसके एक दिन पहले जाऊँगा तो बेटर रहेगा, यस आप बेटर रहेगा, एक दिन पहले जाओगे तो आप सेटल हो जाओगे, फ्रेश रहोगे, अगले दिन मेडिकल देना है तो आप बिल्कुल पहले एक दिन पहले जाइए। और आप स्टे कहाँ पे करोगे, राइट, तो मैं आपको बता दूँ कि बालूगांव में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे रेंट पे, बहुत ही
मैं बोल नहीं सकता अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, पर आपका काम चल जाएगा, राइट? हाँ, तो बालूगांव में भी आप स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप INS चिल्का का जो मेन गेट है, मतलब आपको अंदर तो छोड़ा नहीं जाएगा, या आपका अकोमोडेशन है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको बाहर ही रेंट पे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप साथ में जाओगे किसी और दोस्त के साथ, तो वहाँ पे रूम आप शेयर कर सकते हो। INS चिल्का के जो मेन गेट है उसके बाहर भी आपको रूम मिल जाएगा, राइट? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप अगले अगले दिन आपका जो मेडिकल है उसके लिए फिट रहना है, तो खाना वाना अच्छे से खा लेना और पानी, फ्रेश पानी पी लेना यार दोस्तों, कहीं रेलवे स्टेशन का पानी ये वो मत कर पी लेना, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आपका मेडिकल हो सकता है प्रॉब्लम आएगी। तो इतनी मेहनत की है आपने, एग्ज़ाम भी पास किया है, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया है, इतने दिन वेट किया है, इतने सारे सपने देखे, अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो इतना सारा काम किया है इसके ऊपर, क्या पानी फिर जाएगा, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि आप हेल्थ का बिल्कुल बेशक ध्यान रखिए, तभी तो आप मेडिकल के लिए फिट हो जाओगे, राइट? दोस्तों देखते हैं आप बालूगांव पहुंच गए या INS चिल्का पहुंच गए, तो उसके बाद आपको देना है मेडिकल, राइट? तो मैं दोस्तों मेडिकल की बात थोड़ा डीप में करूँगा। देखिए आपने एक बार मेडिकल पहले दे दिया, राइट, और वो आप पास हो गए, तो आप बोलेंगे यार उधर भी मेडिकल होगा, उधर जाके मेरे को कुछ पॉइंट दिया तो फिर मैं तो फिर वापस आ जाऊंगा, घर वाले ने बोले कि सिलेक्शन हो गया है और उधर जाके मेडिकल फेल हो जाऊंगा, तो सारे गांव वाले बोलेंगे यार मैं तो, मतलब क्या बेइज्जती हो जाएगी पूरी। दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिट हो, आप में कोई पॉइंट नहीं मेडिकल का, तो आप 100% आप पास हो जाओगे, राइट? अगर आपको डाउट है यार मेरे को कोई पॉइंट से उधर जाके चेक होगा, तो मैं आपको अभी बता दूं, आपके पास अगर 1 महीना टाइम है, 15 डेज टाइम है, या से 2 मंथ्स टाइम है, तो आप प्लीज़ वो जो आपका मेडिकल पॉइंट है वो क्लियर कीजिए। जैसे बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम होता है, एक DNS करके, DNS एक नाक का जो हड्डी होता है वो बड़ा हो जाता है और उसके कारण आपको एक पॉइंट मिलता है, राइट? दोस्तों ये कि बहुत ही कॉमन है, मतलब मैं बता दूं कि 100 में से 80 लोगों के ये भी बीमारी नहीं, एक नेचुरल है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है उससे सर्दी हो जाती है, तो ये DNS करके एक प्रॉब्लम कॉमन होता है, तो इसका एक माइनर ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो आप ऐसा कोई भी माइनर हो, आपका अगर BP बढ़ जाता होता होगा सडन, तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं कोई मेडिसिन लेके, या आपका और कोई प्रॉब्लम्स होता है जैसे कि हाथ को पसीना आ जाता है, तो उसकी भी आप दवाई ले सकते हैं। और दूसरा ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो उसके चेंज नहीं कर सकते, पर जैसे कोई माइनर है यार दोस्तों, तो उसका आप ट्रीटमेंट करके फिर मेडिकल के लिए रेडी हो जा सकते हैं, राइट? दोस्तों अगर आपके हाथ में टैटू है तो उसका भी ऑपरेशन हो जाता है, टैटू को भी नहीं कंसिडर करते। दोस्तों अगर टैटू का मैं थोड़ा सा डीप में बात करूँगा, टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब आप जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद जो बॉडी का पार्ट दिखता है सामने वाले को, उसके ऊपर टैटू नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अगर छोटा स्लीव का जो शर्ट पहना है तो आपका हाथ खुला दिखाई देगा, तो हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब आपका टैटू हो तो वो शोल्डर के अंदर होना चाहिए, मतलब शर्ट के अंदर ढका होना चाहिए, इनफैक्ट सिंपली। तो ये रहा टैटू के बारे में। दोस्तों मेडिकल के लिए आप फिट हो जाना अच्छा खाना खा के, तो मेडिकल पास हो जाओगे। जब आप मेडिकल फाइनली पास हो जाओगे तो उसके बाद आप आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप इंडियन नेवी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, उसमें फाइनली भर्ती हो गए। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि मेडिकल होने के बाद आपके जो फ़ोन से आपने लेके गए हैं वो जमा किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर में फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ 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 आप फ़ोन जमा कर दीजिए, आपको ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद आपके फ़ोन वापस किए जाएंगे। तो इसके बाद देखिए फ़ोन तो आपके जमा हो जाएंगे, तो दोस्त फ़ोन जमा होने से पहले आपको घर वाले उनसे खुशी खुशी बांटिए, बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में आ गए तो वहाँ पे क्या होगा, राइट? आप सारे इसको जानने के लिए क्यूरियस होंगे, राइट? आई एम श्योर। देखिए ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूं तो मैं थोड़ा जनरल में बात करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न का मामला है, राइट? दोस्तों
तो ट्रेनिंग होगा आपको डिपेंडिंग अपॉन आप योर टाइम ऑफ कोर्स, मतलब आपका अगर SSR या नाविक GD हो तो आप 5-6 महीने का होगा। तो ट्रेनिंग में बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा दोस्तों, आपकी रोज़ PT होगी, परेड होगी, रनिंग होगी, और आपकी जो आगे जाके जो प्रोफेशनल मतलब बेसिक कंसेप्ट है नेवी में वो सिखाए जाएंगे आपको, तो क्लासेस भी लगेगी, उसके बाद आपके कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, स्पोर्ट भी होंगे, स्पोर्ट में फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, बहुत ही मतलब एंटायर जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ही बिजी रहेगा। इसी के लिए आपको फिजिकली बहुत ही फिट रहना है दोस्तों, इसी के लिए खाना वाना बहुत ही, आप अगर घर से कोई खाना लेके जा रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते, घर का खाना अलाउड नहीं है। आप कोई ड्राई फ्रूट्स लेके जा रहे हैं तभी वो अलाउड है दोस्तों, तो आप कोई लड्डू लेके जा रहे हैं या कोई लेके जा रहे हैं तो वो सारा सामान सीज किया जाता है वहाँ पे, और आपको ऐसा खाना लेके जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो INS चिल्का है वहाँ पे आपको फूड वहाँ प्रोवाइड किया जाता है राइट दोस्तों, और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा कहाँ सोऊँगा, सब इंतज़ाम आपको इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है राइट दोस्तों। तो ट्रेनिंग के बारे में और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को पूछिए, तो मैं उसमें बता सकता हूँ राइट दोस्तों। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए आई थिंक, और बहुत और भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो कवर करने चाहिए, तो मैं प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए तो उसमें मैं बता दूंगा डिटेल्स में। आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला होगा, और फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए तो आप प्लीज़ कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी हिचकाएगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हाँ दोस्तों, आप तो फाइनली अगर ये ट्रेनिंग शुरू हो गई तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। वेरी सुन मैं आपके लिए दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें और अगर कोई पॉइंट छूटे हो गए तो उसको कवर करूँगा दोस्तों। मैं आपके लिए तो बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना है, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ना पड़ता है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको हेल्पफुल रहा होगा तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, और लाइक का बटन भी दबा सकते हैं दोस्तों, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन भी पाओगे, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड करता हूँ तो आपको सीधा आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वो वीडियो सीधा मिल जाएगा दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों।